हेलो फ्रेंड्स, मस्ट वेलकम टू टेक्निकल यूपीएससी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ फ्री आईएएस कोचिंग 2020-2021 के लिए, जो कि आपको हमदर्द स्टडी सर्कल से निकल करके नोटिफिकेशन आ रहा है, जो कि एचएससी आरसीए 2020 और 21 के लिए, जिसमें आपका इसका मिशंस है। आपको 2020-21 बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और इसमें आपको हॉस्टल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। प्री कम मेंस से रिलेटेड इसमें आपको एग्जाम होंगे, दोनों एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, फिर अब जाकर आपको इसमें एडमिशन्स मिलेंगे। तो आइए ले चलते हैं दोस्तों, ये आपको हमदर्द स्टडी सर्कल से निकल करके नोटिफिकेशंस आया हुआ है, और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है इसका नोटिफिकेशंस में। अब जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भर लें, जो लोग भी एलिजिबल होंगे आप लोग एक बार देख लीजिए इसका पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सारी मैं आपको A to Z एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँगा। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें, ताकि पूरी आपको जानकारी मिल सके। और इससे पहले दोस्तों, जो लोग अभी तक जामिया का फॉर्म नहीं भरे हैं, जाकर के फॉर्म भर लीजिए, मैं उसका लिंक दे दूंगा नीचे में फॉर्म भरने का, और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, उसके बाद से आपको जकात फाउंडेशन का ऑलरेडी फॉर्म निकल चुका है बहुत पहले ही, अभी AMU का फॉर्म आना बाकी है, और आपका हमदर्द का भी फॉर्म निकल चुका है, बाकी हज कमेटी का भी आना बाकी है, बाकी अभी जो है फिलहाल आपका आया हुआ है HSC RCA का। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक जो टोटल बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं यहाँ से, ये आपको 532 कैंडिडेट्स अभी तक यहाँ तक मतलब क्वालिफाई किए हैं, टोटल रिजल्ट आपका इतना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 532 कैंडिडेट्स फ्रॉम HSC हैव सो फार बीन सिलेक्टेड फॉर द वेरियस ऑल इंडिया एंड सेंट्रल स्टेट सर्विसेज। तो यहाँ पे 532 ये आपका रिजल्ट है पूरा ऑल ओवर, और फीडबैक है। और जो दोस्तों इसका फॉर्म जो है अभी जो स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, इसका लास्ट डेट है वो देख लीजिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन अप्लीकेशन फॉर्म हुआ है आपको 28 अगस्त 2020, यानी कि इसी आपको अगले महीने लास्ट 28 तारीख तक आपको फॉर्म एनी हाउ पहले पहले आपको सबमिट करने होंगे। उसके बाद से अगर देखिए यहाँ पे जब इसके दोस्तों एग्ज़ाम होंगे, डेट फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि एग्ज़ाम कब होगा, कितना दिन बाद एग्ज़ाम होगा फॉर्म भरने के बाद। तो दोस्तों अभी तक कोई अनाउंसमेंट नोटिफिकेशंस नहीं आई हुई है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, फिलहाल अभी आप लोग फॉर्म भर लीजिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, आपको उसके स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप लोग वेबसाइट विजिट करके आप लोग जाकर के इस वेबसाइट से थ्रू आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए अब ले चलते हैं, अब कौन कौन सी इसमें और सारी क्राइटेरिया इसमें है, एग्जाम सेंटर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम सेंटर दोस्तों, पूरा ऑल ओवर इंडिया में 25 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, ये आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल टेस्ट होंगे, और इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये कम्प्लीटली फ्री नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो पैसे आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, खाने पीने के लिए यहाँ तक देखिए जामिया में भी आपको कम्प्लीटली फ्री नहीं है, आपको वहाँ पे खाने के लिए पैसा आपको एटलीस्ट 3,000 पर मंथ देना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आपको 2,000 पर मंथ स्कॉलरशिप ही मिल जाएगा, 12 दुना 24 तो आपको ऐसे हो गया, 12 दुना 24,000 तो आपको फ्री में ऐसे मिल जा रहा है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप इजीली यहां से आप पर महीना 2,000 आप उठा सकते हैं, स्कॉलरशिप उठा सकते हैं। आपको खाने का हुआ यहां से 3,000, मानते हैं बांटते हैं 36, यानी कि 36K आपको यहां पे देने पड़ेंगे सिर्फ खाने के लिए। ठीक है, तो कहां है, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप 24,000 यहां से उठा ले रहे हैं, फिर आपको यहां से बहुत कम ही देने पड़ेंगे, इसीलिए आपको किसी भी कोचिंग में थोड़ा थोड़ा खाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आइए यहां पे देख लेते हैं, जो ऑल ओवर यहां पे जो सेंटर बनाया गया है वो आपका है 25 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, और ये जो है आपका अलाहाबाद देख लीजिए, अहमदाबाद, अलाहाबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु, बदर, भोपाल, कालीकट, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, कानपुर, और आपको यहाँ पे है कवारत्ती, कोलकाता, लखनऊ, मेवाट, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, रायपुर, पोर्ट ब्लेयर, श्रीनगर एंड तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों आप लोग अपने अकॉर्डिंग ये जो है सेंटर आप लोग यहाँ पे फिल कीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में सहूलियत हो। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग घूमने के पर्पस के लिए आप लोग दे दिए, दिल्ली आ गए आप लोग घूमने के लिए, चले गए आप लोग श्रीनगर घूमने के लिए, जम्मू कश्मीर, लखनऊ आ गए, तो ऐसे आप लोग मत कीजिएगा। जिस आपके नियर बाई स्टेट होगा, आपका जो होम टाउन होगा, बस वहीं पर आप लोग दीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है। अब आइए ले चलते हैं आपको इसमें कौन कौन से कास्ट एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों मेंशन नहीं किया गया, कोई भी भर सकता है, यहाँ पे कोई कास्ट भर सकता है, चाहे वो ओबीसी में आया हो, वो जनरल हो, एससी हो, एससी हो, एसटी हो या गर्ल्स, ठीक है, जनरल बॉयज गर्ल्स सारे लोग भर सकते हैं यहाँ पे, ये मेंशन नहीं किया है। और यहाँ पे बात होती है मीडियम की दोस्तों, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश बोथ दोनों मीडियम के बच्चे भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम मीडियम जो होगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि मीडियम कौन सी होगी दोस्त सर, इसमें एग्ज़ाम किस मतलब पैटर्न में होंगे, हिंदी होंगे कि नहीं होंगे, तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आप लोगों का होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लियर कट बात कर लिया कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए यहाँ पे सूटेबल है। अब यहाँ पे बात होती है क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है, तो यहाँ पे सिंपल जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो आपका ग्रेजुएशन है। अगर आप किसी भी चाहे आप डिस्टेंस ही किए हैं, चाहे किसी से भी आप किए हैं, सिंपल आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, किसी से भी हो, आर्ट से हो, लॉ से हैं, आप लोग एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है अपेयरिंग वाले, यहाँ पे नहीं भर पाएंगे दोस्तों, जो लोग अपेयरिंग होंगे वो लोग नहीं भर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों उनकी एग्जाम अभी तक हुई नहीं है, सारे एग्जाम है यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल सारे अभी तक सस्पेंड हुए हैं, क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस किसी का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, किसी के पास डिग्री है नहीं, तो जो लोग ओल्ड स्टूडेंट हैं जिनके हाथ में डिग्री है, सर्टिफिकेट है, वही लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अपेयरिंग लास्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जामिया में भी सेम वही हाल है, अभी इस साल से मतलब अलाउ नहीं किया गया है जो लोग अपेयरिंग स्टूडेंट है, कहा गया है कि जिनके पास हैंड में डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो लोग फॉर्म भर दिए गलती से दोस्तों, तो इसके लिए अगर हो सकता है कि अगर मनी रिफंड हो तो ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नेक्स्ट टाइम आप लोग भर लेना जब आपके पास हाथ में डिग्री हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे है 19 से 29 के बीच में अगर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। टोटल दो सीट है दोस्तों यहाँ पे नॉट फिक्स, यानी कि यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया कितना सीट है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग मान के चलिए मोटा मोटी आपको 200 से लेकर के 150 के बीच में आपको सीट होगा, 150 से 200 के बीच में सीट आपको हो सकते हैं। फॉर्म फी दोस्तों यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, यानी कि मेंशन नहीं किया गया तो आपका हो सकता है ये फॉर्म फ्री है, जिस तरह से आपको जकात फाउंडेशन में आपको फॉर्म फ्री होता है, आप ऑनलाइन फॉर्म जो है फ्री में भरते हैं, उस तरह से आपको यहाँ भी फॉर्म फ्री में भरने का मिल सकता है आपको चांस। अब ये डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, आईडी प्रूफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड, कोई भी आपके पास प्रूफ है तो आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे। पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपके पास होनी चाहिए, 3-4-5 आप लोग रख लीजिए खिंचवा कर लेटेस्ट। अब आइए बात कर लेता हूँ थोड़ी सी सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या होगी दोस्तों, तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो आपका है यूपीएससी पैटर्न, आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपको सिलेबस होता है यूपीएससी का, सेम वही आपका सिलेबस यहाँ पे आपको सेम है, प्रीलिम सिलेबस जो है सीसेट और आपका जो जीएस पेपर। अब मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो आपको दे दूंगा सिलेबस क्या है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ, जो लोग अभी तक हमारे न्यू फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, फॉलो नहीं किए जाकर दोस्तों फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम का उसी तरह से। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को, और ट्विटर को अगर आपके पास अकाउंट होगा तो आप जाकर ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे भी नए नए अपडेट आपको देते रहता हूँ दोस्तों। मैंने अभी आपको लेटेस्ट ये अपडेट मैंने आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले कभी फेसबुक पेज वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह मैं नहीं बनाया था ट्विटर अकाउंट, लेकिन अभी अभी लेटेस्ट मैंने ये बनाया है जुलाई में, तो आप लोग जाकर के यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको अपडेट मिल सकती है किसी के रिगार्डिंग भी। जो लोग दोस्तों नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको, चाहे जामिया हो, यूपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे जकात फाउंडेशन हो, चाहे हज कमेटी, किसी से रिलेटेड आपको, यूपीएससी से रिलेटेड आपको पूरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए ले चलते हैं आपको यहाँ पर, अब बात करते हैं पैटर्न्स की। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पर जो अप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों ये हैं, अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है हमदर्द स्टडी सर्किल की, तो यहाँ पे विदाउट हेजिटेशन आप लोग जाकर के लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल, दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो मोबाइल से आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप लोग डेस्कटॉप, ठीक है, और उसके बाद से लैपटॉप, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म भरिएगा, मोबाइल से आपका फॉर्म नहीं भर जाएगा, क्योंकि सपोर्ट नहीं करेगा, जो सॉफ्टवेयर है वेबसाइट जो है डज नॉट सपोर्ट मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर, ओके।
और इसके लिए आपको करेक्ट ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और एड्रेस आपके मैंडेटरी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज है, कोई कम्युनिकेशंस करना है, तो आपको इस जीमेल अकाउंट पे जाकर के आपको मेल करना होगा, कोई भी डाउट पूछना होगा, तो इसी अकॉर्डिंग आपकी पूरी कम्युनिकेशंस होगी। अगर आपने दोस्तों एक बार फॉर्म भर दिया कोई भी चीज़ उसमें डिटेल्स, तो आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं। देखिए, कैंडिडेट्स कैन नॉट चेंज द वेन्यू ऑफ द सेंटर टेस्ट सेंटर एट सबमिटिंग द अप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने सेंटर वहाँ पर भर दिया, मान लिया आपने भर दिया दिल्ली, अगर आपको चेंज करना है श्रीनगर, तो आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से आप लोग आफ्टर सक्सेसफुली सबमिटिंग द एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स विल बी एबल टू जनरेट एंड डाउनलोड द एडमिट कार्ड। आप लोग सक्सेसफुल अगर आप लोग फॉर्म सबमिट कर देते हैं, तो तब जाकर के आप लोग अपने डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को, क्योंकि तभी आपका ये सक्सेसफुल जब तक नहीं होगा जब तक आपका एडमिट कार्ड आने का चांस कम होगा, ठीक है। इफ़ अ कैंडिडेट फेस एनी इशूज रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, थोड़ी सी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई दिक्कत आपको होती है फॉर्म भरने में किसी के भी रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इफ़ अ कैंडिडेट फेस एनी इशूज रिगार्डिंग सबमिटिंग अप्लीकेशन फॉर्म ही सी कैन कॉन्टेक्ट मिस्टर गोरख शर्मा। देख लीजिए यहाँ पे मिस्टर गोरख शर्मा से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सब फॉर्म सबमिट करने में दिक्कत हो रही है, और मिस्टर तस्नीम फातिमा। और टाइमिंग दोस्तों यहाँ पे है बिटवीन 10 AM टू 6 PM तक आप लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि वर्किंग टाइम है, उसके बाद अगर आप लोग बात करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता बात। अब आइए आपको ले चलते हैं थोड़ी सी अब एग्जाम टेस्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, कि एग्जाम किस तरह से होता है, इसमें पैटर्न्स क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में, क्योंकि जब तक आपको रोड मैप नहीं मिलेगा जब तक आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में सक्षम नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो है टोटल मैंने आपको बताया था कि जो टोटल जो आपका है ये UPSC प्रीलिम बेस पे है, ठीक है, प्रीलिम्स की जो यहाँ पे दोस्तों जो एग्ज़ाम होती है जनरल, जिसको बोलते हैं GS पेपर, पेपर वन, ठीक है, जो कि 100 MCQ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 200 मार्क्स का, ठीक है, निगेटिव ही दोस्तों होगा, मैं आपको बताऊंगा निगेटिव मार्क्स इतने इसमें होंगे। फिर आपका पेपर टू जो होगा वो CSAT होगा, क्वालिफाइंग नेचर, जिस तरह से हमारा UPSC में क्वालिफाइंग नेचर होता है CSAT पेपर टू, ठीक है, उस तरह से आपको यहाँ भी क्वालिफाइंग नेचर है। ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है आपको, एनी हाउ बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें 40 क्वेश्चंस होगा 100 मार्क्स के, ठीक है दोस्तों। और एसए पेपर तीसरा जो होगा एसए पेपर होगा जो 100 मार्क्स का होगा, मीडियम जो आपका होगा, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, और आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, तीनों मीडियम यहाँ पर दिया गया है, सेम एज इट इज जैसे कि आपको जामिया में आपको दिया गया है, ठीक है। और ये आपका है निगेटिव मार्किंग, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको, जिस तरह से UPSC में 1/3 मार्किंग आपको है नेगेटिव का, उसी तरह से इसमें है, यानी कि 3 अगर आप गलती करते हैं तो एक आपका आंसर सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब माइनस कर दिया जाएगा उसमें से। इंटरव्यू जो होगा पर्सनालिटी टेस्ट जो आपका है इसमें 100 मार्क्स के होंगे, PT यानी कि जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, इंटरव्यू आपको 100 मार्क्स के होंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ टोटल, यानी कि 200 के होंगे आपको MCQ और 100 मार्क्स होंगे आपको CSAT और 100 मार्क्स के होंगे आपके ये SA पेपर 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि टोटल ऑल ओवर मतलब 500 मार्क्स के आपको टोटल एग्जाम इसमें होने वाले हैं, यानी कि प्रीलिम्स, ठीक है, PT, SA और CSAT और आपको इंटरव्यू, टोटल मिलाकर के 500, तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें मार्क्स है, तो आपको एनी हाउ एटलीस्ट 50% तो आपको लाना मैंडेटरी होगा, क्योंकि 250-300 तो आपको ला रहे हैं, तो काफ़ी इजी होगा आपको क्रैक करने में। और दोस्तों यहाँ पे नोट्स है, देख लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, यहाँ पे सिर्फ 800 कैंडिडेट्स का सिर्फ कॉपी चेक किया जाएगा, ऐसे कॉपी ऑन द बेसिस ऑफ पेपर वन, यानी कि पेपर वन यानी कि जो पेपर आपका है GS पेपर, जनरल पेपर, ठीक है, जो कि 200 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चंस। तो आपका जब तक आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं पेपर फर्स्ट में, GS पेपर में, जब तक आपका जो है कॉपी चेक नहीं होगा, इसीलिए जब तक आप इस पर क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जो है ऐसे पेपर कॉपी चेक होगा, सिर्फ इसमें 800 बच्चे का कॉपी चेक होगा ऑन द बेसिस ऑफ पेपर वन। इसीलिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आपको GS पेपर, ठीक है, GS पेपर वन, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने सारे इसमें पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करेंट अफेयर्स, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से तैयारी कीजिए। उसके बाद से आइए यहाँ पर नीचे हम देखते हैं, अब जो एग्ज़ाम जो दोस्तों इसका होगा, ये देख लीजिए 3 पैटर्न में इस एग्जाम हुआ, स्लॉट जो बांट दिया गया है, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। तो पहला जो इसमें आपका जो फेज है वो है यहाँ पे स्लॉट वन, ठीक है, यहाँ पे स्लॉट वन में आपका जो दिया गया है GS पेपर, ठीक है, टाइमिंग जो है 10 बजे से 12 बजे तक। स्लॉट टू में है SC पेपर है 12:30 से 1:30 बजे तक, ठीक है। स्लॉट थ्री है CSAT पेपर, पेपर टू, जो कि आपका 3 बजे से 4 बजे तक, यानी कि अगर आप देखा जाए तो सुबह से लेकर के आप शाम तक पूरा बिजी रहेंगे एग्ज़ाम देने में ही। अब आइए ले चलते हैं थोड़ा सा आपको नीचे ले चलते हैं,
इसमें देख लीजिए, अब इसमें क्या क्या थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन से देख लेते हैं क्या क्या इसमें यूज करना है आपको एग्जाम हॉल में। तो यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज मैंडेटरी फॉर पेपर वन एंड पेपर टू। आपको सिर्फ यहाँ पे ब्लैक बॉल पेन यूज करना है पेपर वन एंड पेपर टू में, यानी कि जो हम लोग सर्किल बना करके इसको गोला करते हैं, ठीक है। सर्किल बनाने के लिए बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। कोई भी आपको इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज नहीं करनी है, ठीक है, मोबाइल फोन या स्मार्टफोन कोई भी गैजेट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जैमर लगा होता है, तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन्हीं लोगों को सिर्फ मतलब बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इसका इंटरव्यू कहाँ पे होगा मैंने आपको एड्रेस नीचे में भी दे दिया है, और यहाँ पे भी मैंने आपको एड्रेस दे दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ तालीमाबाद, देख सकते हैं, न्यू दिल्ली, तालीमाबाद न्यू दिल्ली। पर्सनलिटी विल बी हेल्ड अप 100 मार्क्स। सिलेक्शंस विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। ये दोनों के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शंस होगी। अब दोस्तों यहाँ पे बात होती है फैसिलिटी क्या क्या इसमें मिलेंगी अगर आप एडमिशन देते हैं, क्योंकि आपको पैसे भी यहाँ पे लगेंगे, कुछ पैसे तो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों 40 और 60 का रेशियो है, ठीक है, 40% या 60% आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे तभी आपको यहाँ पे एडमिशन्स मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे सारे लोग अलाउ किया गया है और फॉर्म फी यहाँ पे नहीं किया मैंडेटरी। और फैसिलिटी देख लीजिए, दी कोचिंग प्रोग्राम इज़ फुल्ली रेसिडेंशियस विद बोथ एयर कंडीशंस एंड नॉन एयर कंडीशंस। यहाँ पे दोनों दिया जाएगा, एयर कंडीशन भी है नॉन एयर कंडीशंस भी है, जिसको जिस तरह से इन्वायरमेंट सूट करे। और यहाँ पे मेल्स सिंगल रूम्स और फीमेल्स के लिए सिंगल एंड डबल रूम्स। जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी एस्पायरेंट्स है तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर इनकी एडमिशन इसमें हो गए, सिलेक्शंस हो गए, तो मेल्स के लिए सिंगल रूम्स में यहाँ पे अलॉट किया गया है, और फीमेल्स के लिए सिंगल रूम और डबल रूम यहाँ पे है, दोनों है, ठीक है। लेकिन मेल्स के लिए सिर्फ सिंगल रूम मिलेंगे ताकि पढ़ाई आपको अच्छी इन्वायरमेंट दिया जा सके, बेस्ट बेस्ट इन्वायरमेंट, ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सके UPSC, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे HSC प्रोवाइड एन एक्सेलेंट कोचिंग्स फॉर सीरियस कैंडिडेट्स। दोस्तों यहाँ पे वही लोग सिर्फ जाएंगे जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, जो कि सच में UPSC क्रैक करना चाह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेरिटेरियस हैं, लेबोरियस हैं, ठीक है, हार्ड वर्कर हैं, और काफ़ी ऑनेस्ट हैं अपने काम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, वही लोग यहाँ पे फॉर्म भरे जाएगा। फालतू में पैसे बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है, आपने पैसे भी लगा दिए, रिजल्ट भी नहीं हुए, टाइम भी वेस्ट हुए, मनी भी वेस्ट हुए। इसलिए आप लोग वो लोग नहीं जाएंगे जो कि सीरियस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो UPSC में आते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्दी के लिए, पावर के लिए, गाड़ी के लिए, तो इसके लिए आपको नहीं आना है, आपको बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आना है। बस मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मुझे देश के लिए सेवा देना है, बस। अगर आप वर्दी और गाड़ी के लिए आ रहे हैं, लाल बत्ती के लिए, तो मत आइएगा प्लीज़, आप लोग फॉर्म मत भरिएगा, टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा। और यहाँ पे जो एयर कंडीशन लाइब्रेरी आपको मिलेगा, फ्री वाईफाई आपको यहाँ पे देखिए, जो फ्री है यहाँ पे लिख दिया गया, फ्री वाईफाई आपको यहाँ पे दिया जाएगा, एयर कंडीशन लाइब्रेरी है, वन ईयर कोचिंग प्रोग्राम होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग का माइंड में रहता है कि सर कोचिंग कितने सालों तक प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो यहाँ पे कोचिंग है वन ईयर प्लान है, एक साल आपको कोचिंग पूरी दिया जाएगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको यहाँ पे जो है मेंस के लिए प्रिपरेशन के लिए रखा जाएगा, इंटरव्यू के लिए रखा जाएगा, वो सारा फ्री में करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्री प्रिलिमिनरी टेस्ट सीरीज, यानी कि जो आपको टेस्ट सीरीज होगा प्रीलिम्स की, वो सारी आपको सी सेट होगा, उसमें आपको GS पेपर सब कुछ आपका टेस्ट सीरीज फ्री में होगा। मेन टेस्ट सीरीज एट नॉर्मल रेट्स, जो मेन टेस्ट सीरीज होगा उसका पैसा थोड़ा सा लिया जाएगा, बहुत कम लिया जाएगा, ना मात्रा में, ठीक है। सिर्फ अगर आप अच्छे बच्चे हैं, मेरिटेरियस है, तो आप लोग बात करके, ठीक है, आप लोग फ्री में कर सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी का अगर होप होगा कि आप रिजल्ट देने वाले हैं तो आपको वो जरूर हेल्प करेगा। अगर आप लगेगा कि भाई ये तो टैलेंट है ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं दे सकता, फिर मैं क्यों रखूँगा, कोई भी क्यों रखेगा किसी को भी, तो आप लोग बात करके आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना होगा अपने टेस्ट को, ठीक है, कितने क्वालिटी आपके अंदर में है, कितने अच्छे आप ग्रेप्स कर पा रहे हैं कंटेंट को। ऐसे राइटिंग सेशन जो है, डिस्कशंस, डिबेट्स, रेगुलर फीडबैक, ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। क्लासरूम लेक्चर्स एंड ऑनलाइन करेंट अफेयर्स कोर्सेज, ये सारे मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग रेगुलर यहाँ पे जो वेबसाइट है यहाँ पे आप लोग विजिट करते रहिए, जिस वेबसाइट पे hamdardstudycircle.in पे आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप लोग यहाँ से जा करके पता करते रहिए, देखते रहिए। अब आइए दोस्तों यहाँ पे कुछ कंटेक्ट्स के रिगार्डिंग बात कर लेता हूँ। यहाँ पे कंटेक्ट्स है, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग बताया था, ये कंटेक्ट्स एंड हेल्प डिटेल्स है, सेंटर है, ये एड्रेस है, रात्रि मार्ग ब्लॉक जी तालीमाबाद संगम बिहार। देखिए दोस्तों संगम बिहार दो है, एक आपको पड़ता है मुखर्जी नगर गांधी बिहार के पास में, ठीक है, संगम बिहार वजीराबाद विलेज, और एक आपका ये संगम बिहार जो कि तालीमाबाद में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ओपनिंग है इसका टाइमिंग है 9 बजे दोस्तों ये ऑफिस खुल जाता है, और ये फ़ोन नंबर यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं, लैंडलाइन नंबर है ये, ठीक है। और ये मेल है, मेल पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप लोग मिस्टर गोरख शर्मा और ये आपको मिस्टर्स
तस्नीम फातिमा से आप लोग बात कर सकते हैं फ़ोन के रिगार्डिंग, ठीक है। टाइमिंग आपको 10 बजे से 6 बजे तक दिया गया है। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, कोई टॉपिक आपके माइंड में चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों अगर कोई आपको टॉपिक माइंड में चल रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर हो गया बुकलिस्ट से रिलेटेड, ठीक है, बुकलिस सिलेबस एग्जाम पैटर्न, तो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया है, सिलेबस मैंने दोस्तों आपको बता दिया है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। बुक लिस्ट के लिए दोस्तों मैंने आप लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, पिछले साल मैंने बनाया था, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं आपको फेक कट ऑफ मार्क क्यों दिखाऊँ। इसीलिए दोस्तों अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट कर सकते, पूछ सकते हैं, माइंड में कोई टॉपिक है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उससे वीडियो बना करके आप लोगों को शो कर दूंगा। और जो भी दोस्तों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड जितनी सारी ट्रस्ट एनजीओ चलती है, चैरिटी, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और चैनल को दोस्तों शेयर कीजिए लोगों, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मालूम हो, जो गरीब लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, गाँव से हैं, जिनको आइडिया नहीं है, कभी भी वो चेक नहीं कर पाते हैं और इसके अभाव में आकर के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, यूपीएससी की सपना जो ख्वाहिश है नहीं पूरा कर पाते हैं, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, ताकि लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच पाए। जिस तरह से मैंने आपको हेल्प किया, इस तरह से आप किसी अपने दोस्त को, फ्रेंड को हेल्प कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।